ब्लॉग बनाओ वो क्या यूज अपलोड करना पूरा पूरा दिनेश्वर जी ब्लॉग बनाओ क्या बोलू क्या मैं नमस्ते दोस्तों, राम राम साहब। मेरा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज है महाशिवरात्रि और ये हमारे मित्र है और हम जा रहे हैं किधर? ऋषेश्वर महादेव नंदीवर्धन गांव जो जैन टेंपल है उसके पास में ही महादेव जी का भी मंदिर है। तो आज शिवरात्रि के दिन हम सभी लोग, आप देख सकते हो कुछ 4-5 लोग हैं और हम जा रहे हैं नांदिया। ठीक है, आपको बताएंगे अगला ब्लॉग। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जो आप ये मंदिर आज जो देखने जा रहे हो उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। अति प्राचीन मंदिर है और उसके पीछे जो स्टोरी आप उधर जाके मैं आपको बता दूंगा किसके पीछे क्या स्टोरी है। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए वीडियो को और नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरश्न गांव आ गया है। आरश्न अंबाजी वो वाला नहीं, गुजरात वाला नहीं, राजस्थान के आरश्न अंबाजी वाला गांव आ गया है। आपको मंदिर भी इधर से दूर से दिखा देता हूँ मैं। तो वो जो दोस्तों पहाड़ी पे ऊंची चोटी पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ब्लर हो गया कैमरा, तो फोकस करते उसके बाद बताता हूँ। ये देखो, ये टेम्पल है माता जी, आरश्न अंबाजी माता जी का है। उसके बाद आज ही इसी ब्लॉग में दिखेंगे आपको। हम अब आ चुके हैं ये नांदिया ग्राम में, एंटर कर चुके हैं जहाँ पे सिरोही जिला के राजस्थान का ये नांदिया ग्राम है, पिंडवाड़ा तहसील के अंतर्गत। और ये आपको ग्राम, ये देखो। ठीक है, बहुत ही सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, छोटा सा है पर यहाँ के लोग बड़े बड़े हैं। देखो वही अभी भी औरतें पहले की तरह पानी पंदड़ पे लेने जाते हैं। राजस्थान में यही है, अभी पानी अभी तक नहीं आता घरों में पूरा पूरा। पेड़ एक्चुअली में राजस्थान में बहुत सारे हैं और काटेदार पेड़ होता है। इसमें दो बबूल के पेड़ होते हैं, एक तो सफेद व्हाइट जिसकी भी दवाइयां बनती है, और एक ग्रीन कलर का जिसको विदेशी बबूल बोलते हैं। एक तो देसी बबूल और दूसरा विदेशी बबूल। तो ये दोनों बबूल में फेर है, आप देख सकते हो। ये सामने ये गुजराती बबूल है राजस्थान में, बाकी ये पेड़ बबूल का है।
ये दोस्तों जिसके घर बनाना होता है वो इधर आके ये सब एक जितनी मंजिलें चाहिए उतनी मंजिलें आप इधर बना सकते हो, ऊपर जितनी मंजिलें चाहिए जैसा घर चाहिए, ठीक है। ये मनोकामना है लोगों की, श्रद्धा है। ये जाने का रास्ता। तो ये था आज का ब्लॉग, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मंदिर हम विजिट करके आए अभी थोड़ी देर में, और अभी कोरोना के बाद में ये पहली बार कोई फेस्टिवल है तो बहुत ही हॉट है। तो दोस्तों हम ये टेंपल पे घूम के आए और दर्शन करके आए। तो अभी ये वाला ब्लॉग अपने ये पीछे थंबनेल का लाइक कर दो, लाइक बक के तोड़ दो लाइक के बटन को, ठीक है। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है इधर साइड वाली हमारी, ये वाली बाहर हमें पार्किंग की थी क्योंकि अंदर आप देख सकते हो ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी और निकालने में दिक्कत होती है पीछे। तो हमारे साथ में एक और भाई बंधु ने गाड़ी लगा दी, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और ये है विक्की, ये विक्की है, ये आ रहा नहीं था मंदिर के लिए और फिर हमने उसको ज़बरदस्ती लेके आए। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा। और अभी ड्राइवर हमारे चेंज हो चुके हैं, ये हमारे क्या नाम है भैया का, इंदर भैया, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा आज का रहा टूर, खोल के बैठ के अंदर, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा किसके पीछे क्या है पूरी कहानी, मंदिर के पीछे कैसे हुआ क्या हुआ। बहुत ही अच्छा मंदिर है राजस्थान के नांदिया गांव में और सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये आपने आज जो मंदिर जो टेंपल देखा उसके पीछे ये पूरी बात है कि आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया गया है वीडियो में और आप मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इसमें ऐसा था कि ऋषि जामवत जी त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तब उन दोनों के बीच में युद्ध होते होते जामवत जी कभी युद्ध में थके नहीं, तो उसके कारण उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम से बोला जामवत जी ने, जामवत जी जो ऋषि के अवतार ऋषि के रूप में थे, और उन्होंने बोला कि मेरे को और लड़ना है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि त्रेता युग में जब द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लूंगा तब आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक आप कहीं लीन साधना करिए और तपस्या कीजिए। तो जब ऋषि जामवत जी ऋषेश्वर पर्वत में, ये ऋषि पर्वत है, इधर आए और इन्होंने तपस्या में लीन हो गए, उनके पास एक मणि थी। तो वो जब त्रेता द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान की जो मणि, जब श्री कृष्ण भगवान को उस मणि की चुराने का आरोप लगा, तो उन्होंने मणि ढूंढने के लिए यहाँ पे जामवत ऋषि के इधर आए थे और उन्होंने अपनी उस मणि को पाने के लिए जामवत 15 दिनों तक उन्होंने युद्ध लड़ा और उस युद्ध को अंत में भगवान श्री राम ने अपना कृष्ण भगवान के अवतार में उन्होंने अपना पहले वाला जो आगे बता नहीं पाया और अभी बता रहा हूँ कि उसके बाद ने उसी युद्ध में भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हारा जो तपस्या है वो सफल हो गई है, अभी आप मुक्त हो। फिर उन्होंने अपनी एक शर्त कही कि आपको मैं मणि दे दूंगा पर मेरी पुत्री से आपको विवाह करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ पर उस मंदिर के अंदर एक स्तंभ के नीचे उधर परिक्रमा लगाई और ऋषि जामवत जी की पुत्री के साथ उन्होंने वही स्तंभ के फेरे लगाकर विवाह रचाया। उसके बाद शिव शंकर भोलेनाथ उधर प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया और वही लिंग के रूप में, प्राकृतिक शिवलिंग के रूप